हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को कुदरती रूप से काला कर पाएंगे। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा का लीव लिया है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश एलोवेरा लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं इसको पील ऑफ करके इसका जेल निकाल लूँगी, कम से कम 3 चम्मच के करीब, 3 से 4 चम्मच। देखिए फ्रेंड्स, आप भी आसानी से इसका जेल निकाल सकते हैं। और अब मैं इसको मिक्सी में डाल लूँगी और अब 3 चम्मच एलोवेरा के जेल के हिसाब से ही 3 चम्मच आपको इसमें दही डालनी है। दही आपको उतनी ही डालनी है जितना कि आपने एलोवेरा जेल लिया है। अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आप इनकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इनको अच्छे तरीके से चला के इनका एक महीन सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दही और एलोवेरा का बिल्कुल सॉफ्ट सा और स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल सकता है। यह अब हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ब्राह्मी चूर्ण। ब्राह्मी चूर्ण भी हमारे बालों को काला करने में बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे भी मैं इसका 1 चम्मच ले लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी रतन ज्योति। रतन ज्योति का भी मैं इसमें पाउडर ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है रतन ज्योति और इसमें मैंने इसको पीस के इसका पाउडर बना लिया है। आप भी इसको पाउडर फॉर्म में ही ऐड करें। यहाँ पे भी मैं इसका 1 चम्मच ऐड कर लूँगी और इनको अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। अच्छे तरीके से इनको हिलाते हुए मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको भी इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, पैक इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपके बालों में कोई भी हेयर ऑयल ना लगा हो। आपको अपने बिल्कुल साफ सुथरे बालों पे ही इस पैक को अप्लाई करना है। अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ होगा तो ये आपके बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगा और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, बालों पर ही अप्लाई करना है और इसको 2 से 3 घंटों के लिए आपको अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करते समय फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको किसी भी शैम्पू या साबुन से अपने हेयर को वॉश नहीं करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से ही अपने बालों को वॉश करना है। हाँ, अगले दिन आप किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसको अप्लाई करेंगे उस दिन आपको शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।